फ्रेंड्स, आज के वीडियो में पढ़ते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कि जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनती है तो क्या होता है। यहाँ पर देखिए, हमारे पास दो लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक आई लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस की ऑब्जेक्ट से जब रे जाती है तो इसकी फाइनल इमेज, इसकी इमेज बनती है ए डैश बी डैश, जो कि आई लेंस के फोकस से बनती है। और आपको पता है कि जब किसी लेंस के फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज बनती है इन्फिनिटी पे। तो ये इनफाइनाइट पे जाती है, तो इन्फिनिटी पे जाने मतलब क्या है कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। यहाँ पे जो इमेज आपकी बन रही है, यहाँ पे आप इसको इन्फिनिटी शो कर सकते हैं। यहाँ पे यानी कि जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी। और इससे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर इमेज जो बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टिंग विजन में, उसमें फॉर्मूला होता है बी मैग्निफिकेशन का एम इक्वल टू एम नॉट एम ई। उसमें मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस जो होता है वो 1 + d/f था, लेकिन इस केस में केवल डी अपॉन में एफ ई ही रहेगा जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनती है। तो इसमें जो मैग्नीफाइंग पावर होगा एम वी नॉट अपॉन में यू नॉट माइनस साइन स्टार डी अपॉन में एफ ई। और इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस आर क्लोज टू लेंसेज, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो लेंस के बहुत क्लोज हैं, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इससे बहुत क्लोज है तो फोकस पे लाई कर जाएगा, फोकस के आसपास में, तो फोकल लेंथ हम लेते हैं। और जो फाइनल इमेज है वो वी नॉट जो है, यानी ये जो वैल्यू है, अगर ये इसके बहुत क्लोज लाई करती है तो ये दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस के बराबर हो जाती है। तो नाउ यू नॉट अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू एफ नॉट एंड वी नॉट अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू एल। अगर इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं तो मैग्नीफाइंड पावर होगा एल अपॉन में एफ नॉट डी अपॉन में एफ ई। इन दिस केस लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप दैट इज वी नॉट प्लस यू ई। यू ई क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस। तो ये था जब फाइनल इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनती है इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आई होप कि आपको समझ आ गया डायग्राम अच्छे से। एक बार फिर समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट इसके लिए आती है तो इसकी इमेज बनती है दूसरे आई लेंस के फोकस पे। तो जब इसके फोकस में इमेज ऑब्जेक्ट काम करेगी इसके लिए, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करती है तो इसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। तो ये इस डायग्राम का सारा पार्ट है। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं टेलीस्कोप के बारे में। टेलीस्कोप में भी इसी तरह से दो केस होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जैसे दो केस हमने पढ़े, वैसे टेलीस्कोप में भी दो केस होते हैं। टेलीस्कोप नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है ये आपका है टेलीस्कोप के बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल या जिसको हम रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बोलते हैं। टेलीस्कोप क्या होता है ये आपको पता ही है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको दूर की चीज़ें देखने के काम आता है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर ऑब्जर्विंग डिस्टिंक्ट इमेजेस, यानी दूर की चीज़ें जो होती है, दूर की इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए देखते हैं इसको हम। इससे हम देखते हैं ऑफ हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स प्लैनेट एक्सेट्रा, मतलब कि जो स्टार्स होते हैं और जो प्लैनेट्स होते हैं स्पेस में, हम उसको देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें भी दो केस होता है। पहला केस जो होता है कि जैसे आपकी ने उसमें पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो केस होते हैं, इसमें भी दो केस होते हैं। पहला केस होता है आपका व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एज इन्फिनिटी, मतलब हमारी जो इमेज है ये इनफाइनाइट बनेगी। तो इसके लिए डायग्राम समझते हैं। पहले क्या है कि ये ऑब्जेक्ट सपोज करो स्टार है, बहुत दूर है, तो यहाँ से जो भी रेज चलती हैं, आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस होता है तो अगर रे प्रिंसिपल एक्स से पहले तो फोकस जाती है, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्स से पहले नहीं है तो भी ये फोकस की तरफ ही मुड़ती हैं। यहाँ पे दोनों रेज आती हैं तो ऑलमोस्ट ये फोकस तरफ मुड़ने की कोशिश करती है, बट फोकस कहीं और होता है। यहाँ पे ये दोनों रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट होती हैं ये उस लाइन पे इसका फोकस होता है इन दिस केस, और जो आई लेंस होता है उसका भी फोकस बिल्कुल सेम पॉइंट पे ही लाई करेगा। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस और आई लेंस का फोकस बिल्कुल जहाँ इमेज बनती है ए डैश बी डैश स्टार की, वहाँ पे इसका फोकस लाई करता है। और क्योंकि आपको पता है कि अगर इस लेंस के लिए ये फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे।
तो ये इमेज कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पे। और ये हमारी आईज होती है जहाँ से हम इसको देखते हैं। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। इफ़ इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, अगर इमेज इन्फिनिटी बनती है तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, यानी मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो एम इक्वल टू बीटा अपॉन में अल्फा, दैट इज अप्रॉक्सीमेट टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। अब अगर इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पे देखते हैं, टेन बीटा कहाँ मिलेगा हमें? टेन बीटा मिलता है यहाँ पे ए डैश बी डैश सी टू, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस लेते हैं। परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश है, बेस क्या है? फोकल लेंथ हो जाता है एफ ई। लेकिन क्योंकि साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखें तो ये इस लेंस के लेफ्ट साइड में लाई करता है। उसी तरह से ट्रायंगल सी वन बी डैश ए डैश, टेन अल्फा के लिए सी वन बी डैश ए डैश, इस केस में परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस इसका क्या होता है? फोकल लेंथ एफ नॉट। इन दोनों की वैल्यूज को अगर हम इक्वेशन वन में पुट करते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है ए डैश बी डैश अपॉन में एफ ई माइनस साइन के साथ इंटू एफ ई अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ नॉट अपॉन माइनस एफ ई। तो ये जो इक्वेशन बनती है मैग्नीफाइंग पावर की वो एफ नॉट अपॉन में एफ ई होता है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपने अभी तक पढ़ा कि मैग्नीफाइंग पावर के लिए क्या करते हैं, जो फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट अगर एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्टार बहुत दूर है, तो स्टार इतना दूर होने से क्या होता है कि वो अपना जो अल्फा एंगल बनाता है वो चाहे ऑब्जेक्टिव लेंस से बनाता हो या आई लेंस से बनाता हो, उस पर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्फा जो एंगल बनता है वो हम ऑब्जेक्टिव लेंस पर ही बना सकते हैं। तो ये था पहला केस जब हमारी इमेज बनती है, सॉरी जब हमारा फाइनल इमेज बनता है इन्फिनिटी पे। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जब फाइनल इमेज बनेगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन पे, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन पे जब बनता है तो हम उसमें पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है ये आपका है टेलीस्कोप के बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल या जिसको हम रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बोलते हैं। टेलीस्कोप क्या होता है ये आपको पता ही है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको दूर की चीज़ें देखने के काम आता है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर ऑब्जर्विंग डिस्टिंक्ट इमेजेस, यानी दूर की चीज़ें जो होती है दूर की इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए देखते हैं इसको हम। इससे हम देखते हैं ऑफ हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स प्लैनेट एक्सेट्रा, मतलब कि जो स्टार्स होते हैं और जो प्लैनेट्स होते हैं स्पेस में हम उसको देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें भी दो केस होता है। पहला केस जो होता है कि जैसे आपने उसमें पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो केस होते हैं, इसमें भी दो केस होते हैं। पहला केस होता है आपका व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एज इन्फिनिटी, मतलब हमारी जो इमेज है ये इनफाइनाइट बनेगी। तो इसके लिए डायग्राम समझते हैं। पहले क्या है कि ये ऑब्जेक्ट सपोज करो स्टार है, बहुत दूर है, ये जो इमेज बनती है ये इसके लिए आई लेंस का काम करती है, यानी आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट काम करती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इसकी जो फाइनल इमेज बनती है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन डी पे बनती है। अब एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो होता है या मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो बीटा बाई अल्फा होता है, आपने पढ़ा ही है, टेन बीटा पॉन में टेन अल्फा होता है। उसके बाद ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू, हमें टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यू पुट करनी है। तो टेन बीटा के लिए ए डबल डैश सॉरी ए डैश बी डैश सी टू, इसे परपेंडिकुलर बाय बेस, और बेस की जो वैल्यू है वो बी डैश सी टू है। टेन अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश और बेस क्या है? सी वन बी डैश। तो ये दोनों वैल्यूज को अगर हम इक्वेशन नंबर वन पुट करते हैं तो हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो होता है एम इक्वल टू एफ नॉट अपॉन में यू ई, माइनस साइन क्या शो करता है? वो लेफ्ट में है, इसलिए उसको माइनस साइन यहाँ पे शो किया गया है। अब लेंस फार्मूला जो हम यूज करते हैं वो आई लेंस के लिए यूज करते हैं, वन अपॉन में बी ई माइनस वन अपॉन में यू ई इक्वल टू वन अपॉन में एफ ई, मतलब कि फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस आई लेंस के लिए होगा सब कुछ। मैग्नीफिकेशन में देखिए वन अपॉन में यू ई की वैल्यू अगर निकाल लें तो फोकल लेंथ तो पहले से ही है एफ नॉट की वैल्यू, हम इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं इसकी फोकल लेंथ की टर्म में, तो वन बाई डी माइनस साइन के साथ प्लस वन अपॉन में यू ई इक्वल टू वन अपॉन में एफ ई। अब हमें ये वैल्यू, क्योंकि देखिए यू ई की वैल्यू पहले से माइनस होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन अपॉन में यू की वैल्यू को एक तरफ करते हैं बाकी टर्म को एक तरफ करते हैं,
उसके बाद वन अपॉन में एफ ई, यहाँ पे देखिए वन अपॉन में एफ ई कॉमन लिया गया पूरा पूरा, तो वन प्लस एफ ई अपॉन में डी आ जाता है। तो ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर फाइव की, ये पुट करनी है हमें इक्वेशन नंबर फोर में वन अपॉन में यू की वैल्यू। तो वन अपॉन में यू की वैल्यू पुट करते तो एम इक्वल टू माइनस एफ नॉट अपॉन में एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन में डी। तो ये टोटल फाइनल रिजल्ट आता है मैग्नीफाइंग पावर का जब इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन पे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि ये लेंस मतलब कि जो इमेज बनती है वो कैसे बनेगी और किस तरह से इसका मैग्नीफाइंग पावर आता है। तो यहाँ पे ये वाला केस होता है, इसमें देखिए दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो एफ नॉट प्लस यू ई के बराबर रहेगी। आई होप कि आपको ये समझ आ गया अच्छे से। अगर आपको ये समझ आता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आपको है वो तुरंत मिल जाए।